तो मैं हरियाणा जी के डायमंड जी के भाई प्रदीप सर, सबसे पहले वो कहते हैं ना ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती का नाम लेकर या अपनी जन्मदायिनी माँ का नाम लेकर कोई काम हमें करना चाहिए। और आज मैं किशोरी एकेडमी पर आकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डायरेक्टर साहब को मैं, पंकज जांगड़ा जी, रविंदर जी, जितने भी यहाँ पर मतलब शौर्य एकेडमी का स्टाफ है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर विपिन सर जी, प्रिया मैम, सुभाष गुरु जी, सुनील जी, संदीप जी, सोमवीर भाई, पुनिया सर, सभी आए हुए हैं, अजय पूरा सर, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी गुरु तो आप सब हो बच्चों, रियल में हैप्पी टीचर्स डे जब मैं बोलता हूँ ना तो हमारे गुरु आप हो। और मतलब एक अच्छा टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे ही उसको अच्छा बनाते हैं। अब सपोज करो कि आज कोई क्लास चल रही है और कोई भी सर एग्जाम्पल लगा लो प्यारे बच्चों, चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं घर से जितना कंटेंट पढ़ कर आया हूँ ना केवल वही पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे से क्वेश्चन है नहीं पूछोगे। हमारे सुभाष गुरु जी यही कहते हैं, जिसके है ना अरब सागर है, किसी के पास है ना एक लोटे का ज्ञान होता है और किसी के पास एक ड्रम के समान ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को बढ़ाने का काम हमारे बच्चे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कई भर्तियों में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पेपर आउट हो गया सर। पीछे हरियाणा पुलिस का भी हमने प्रोटेस्ट किया था, आप सभी को थोड़ा पता भी होगा उसके बारे में। तो पेपर का होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल क्या है, मेहनत करना आपके हाथ में है। जब है ना महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो अर्जुन ने मतलब हथियार उठाने से मना कर दिया था कि मेरे सामने ना मेरे अपने खड़े हैं। और अर्जुन ऐसे मना कर रहा था, बोला गुरुजी मेरे को तीर वीर चलाना नहीं आता। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी, बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अर्जुन कहता है गुरुजी मेरे को तो तीर ही नहीं चलाना आता। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू जिस साइड तीर चलाता है उस साइड तीर चला दे। अब अर्जुन दाएं तीर चला रहा था और वो तीर की डायरेक्शन कौन सही कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण। तो शौर्य एकेडमी है ना, उस तीर की डायरेक्शन सही करेंगे, बस आप तीर चला देना और उसको तीर को किस डायरेक्शन में चलाना है आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, बाकी की चीज इन पर आप है। छोड़कर एक बार विश्वास करके देखिए, या जितने भी बच्चे आए ना उनको कहूंगा कि दो या तीन दिन की ना आप लेमो लगा के देखिए, आपको रियल में विश्वास होगा कि औरों से यहाँ पर कुछ हमें अलग मिल रहा है। और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। जब भी आप घर से निकलोगे ना प्यारे बच्चों, तब आपको नेगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे कि ये कुछ कर नहीं सकता। केवल है ना आपकी सफलता और असफलता में ना केवल एक मिनट का फर्क है, एक रजेंट का फर्क है। रजेंट आने से पहले प्यारे बच्चों आप असफल हो, बोला ये तो कुछ नहीं है, हिसार पार्क में ना कुरकुरे खाने के लिए जाता था और कुछ करने के लिए नहीं जाता था। और रजेंट आ गया ना जिस दिन, वही आकर कहेगा कि मेरे को पता था कि ये जॉब है जरूर लगेगा। तो एक रजेंट का फर्क है आपकी सफलता और असफलता में। जब तक हेलो तो लगातार प्यारे बच्चों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो हमेशा आपको मेहनत करनी है। और तो कितनी मेहनत की होगी उस बंदे ने, एक तरफ पिता का साया उड़ चुका है और वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है। तो कोई भी बड़ा इंसान बना है ना, अमिताभ बच्चन जब पहले अपना मतलब कोई भी इंटरव्यू देने गए थे ना, तो उनके डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, बोला तेरी हाइट इतनी है तेरे साथ कोई हीरोइन काम भी नहीं करेगी। और आज अमिताभ बच्चन, तो आज हम उसको बॉलीवुड का गॉड मानते हैं। तो कोई भी है ना प्यारे बच्चों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जब भी आपको ना मतलब जीवन में उदास हो जाओ ना, तो एक चीज याद करना कि बिना मेहनत के
तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, लेकिन भी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेहनत करोगे ना सफलता जरूर मिलेगी, टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। आज तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक MA इंग्लिश से, PG मेरी इंग्लिश से थी, और मेरे को GK करने का भी मेरे को मौका मिला है। तो आपसे भी यही कहूंगा, ठीक है, हमेशा ना, जैसे आपने महावीर स्वामी का नाम सुना होगा, महावीर जो भी इसके बारे में मेरे को सोचते हैं ना, मैं उसको हमेशा मतलब इनके लिए तैयार खड़ा रहूंगा। और एक छोटी सी बात याद आती है प्यारे बच्चों, कि हमेशा किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज है ना, मतलब ये मत समझना कि मैं परफेक्ट हूँ। जिस दिन आपने सोचा कि मैं परफेक्ट हूँ ना, उसी दिन आपके लेवल में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। एक समय की बात है प्यारे बच्चों, एक राजा हुआ करता था, और उस राजा पर ना दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। तो वो पहला राजा था ना, उसने अपने मंत्री को भेजा कि तू दूसरे राजा के पास जाकर ना संधि करवा दे, ताकि युद्ध हुआ ना हमारा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो मंत्री ना बड़ा इंटेलिजेंट था, उस राजा के पास जाता है और उस राजा को कहता है कि राजा जी, आप मेरे राजा पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? बोला, मेरे को आपके राजा को हराना है। बोला, आप मेरे राजा को हराकर क्या करेंगे? आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बोला, क्या डिफरेंस है? बोला, मेरा राजा है ना, वो तो दूज का चांद है और आप ईद के चांद हो। तो उस राजा को कहता है कि आप कौन से चांद हो? ईद के चांद हो। वो राजा खुश हो जाता है, बोला, इसने खुद के राजा को कौन सा चांद बताया? दूज का, और मेरे को कौन सा बताया? ईद का। और उस मंत्री को ना इतना भारी मात्रा में पैसा देता है, और वो मंत्री ना जब अपने राजा के पास जाता है ना, तो उस राजा को सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि इसने तेरे को कौन सा चांद बताया था? दूज का बताया था। और सामने वाले राजा को कौन सा बताया था? ईद का बताया था। तो वो कहता है, यार तू तो मेरी बेइज्जती करवा कर ईद का चांद बनेगा। तो हमेशा ना आपको ईद का चांद नहीं बनना है, दूज का चांद बनना है। हमेशा ना मेहनत करनी है, और खुद को कभी परफेक्ट मत समझना कि इस लाइफ में कोई भी परफेक्ट है नहीं है प्यारे बच्चों। मेहनत करोगे ना तो आप हमेशा खुद को दूज का चांद समझना, दूज का चांद समझोगे ना तो आप अपने आप को हमेशा आप में बदलाव चाहोगे। जब आपने ये सोच लिया ना कि मैं परफेक्ट हूँ, तो आप सीखना बंद कर दोगे, और जैसे ही आपने सीखना बंद किया तो आप जीतना बंद कर दोगे। तो सीखोगे उतना ही जीतोगे, और जितने भी ये भारी मतलब भावी कर्मचारी मेरे को सामने नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में वो तेजस्वी चमक नजर आ रही है कि जल्द ये देश सेवा में सभी जाएंगे। अब नाम ले लिया तो इनको घमंड आ जाएगा, ईद का चांद नजर आएंगे, मैं आपको दूज का चांद ही बोलूंगा। क्यों? बहुत से ऐसे चेहरे, क्योंकि आंखों की चमक बता देती है। पालने में ना हम जैसे देखते हैं ना, तो हम जज कर देते हैं कि इसका भविष्य केस कहते हैं। बस अंतिम में एक शायरी के साथ समापन करना चाहता हूँ, गुरुजी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, और मेहनत करना प्यारे बच्चों, सौर्य एकेडमी और हम सब आपके साथ उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा लगे रहेंगे, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो हमें जान लगा देंगे। तो गालिब की एक शायरी के साथ ही भी मतलब अपने इस लेक्चर का मैं समापन, क्योंकि आज है ना हमारे फतेहाबाद में बच्चों के लिए हमने जो फ्री गुरुकुल खोला हुआ है हमने, वो टीम दुरीना ने, तो उसमें भी बच्चे वेट कर रहे हैं। पहले मैंने वो फंक्शन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं अब बाद में आ जाऊंगा यहाँ पर, वहां पर मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर वहां पर मेरे को निकलना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ है ना एक गालिब की कौन सी शायरी सुनानी है? मोटिवेशनल, या बच्चे अक्सर कहते हैं गुरुजी फीलिंग वाली सुना दो, या मोटिवेशनल सुननी है? दोनों सुना देते हैं। वो कहते हैं ना ख्वाब में ही सही मगर तू दीदार दे दे, ख्वाब में ही सही मगर तू दीदार दे दे, एक मुलाकात मुझे एक बार दे दे, एक बार कर ले बस तू आने का वादा, एक बार कर ले तू आने का वादा, बदले में चाहे मुझे उम्र भर का इंतजार दे दे। तीसरों के लिए माने हम आपके तरफ से इन्हें कह रहे हैं, है ना? यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़
लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो अगर आपके जीवन में अच्छे गुरु मिल जाए तो आप पक्का दुनिया बदल दोगे। एक बात याद रखना, गुरु सबको अच्छे नसीब नहीं होते, बड़े किस्मत वाले को गुरु अच्छे मिलते हैं। अच्छे गुरु कहने का मेरा ये मतलब है कि जो चीज आप करने जा रहे हो उसको सरल बना दे, आसान बना दे, वो रास्ता बिल्कुल आसान बना दे आपके लिए, वही आपके लिए अच्छे गुरु है। अगर आप कभी मैथ पढ़ते हो और हमसे पढ़ रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपके लायक नहीं। और स्टूडेंट तो एक किसान का फसल है, अगर फसल बर्बाद हो रहा है तो दोष फसल का नहीं, उस किसान का है जिसने रखवाली सही से नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि एक शिक्षक अगर पढ़ाता है और उसे पढ़ाने नहीं आता है कि वो किसी भी चीज को सर, जैसे एक कन्वर्टर होता है, डीसी से एसी से डीसी बनाना, डीसी को डीसी करंट को एसी बनाना, शिक्षक एक कन्वर्टर है। किताबों में वो सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं कोई दूसरे पताल लोक से या कौन कहते हैं यमराज वाला लोक से, वहां से लेके कुछ नहीं आते, किताबें में लिखी है वही चीज हम आपको पढ़ाते हैं। तो बस ये गुण होता है अपने में कि हमारे पास कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि वो किताब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाएगा कोई भी तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। टीचर का बस इतना ही काम है, बाकी फिर मेहनत करना आपका काम है। यह कभी मत सोचना कि कहीं एडमिशन ले लेने से तुमको नौकरी हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, बच्चे होते हैं जिन्हें जरूरत होती है नौकरी लेना, जैसे आज आप तैयारी के लिए आ रहे हो इस संस्थान में तो आपके अंदर कुछ ना कुछ सपने हैं, आप देख रहे हो कि क्यों जरूरत है। सबसे पहली बात कि आपको नौकरी चाहिए तो क्यों चाहिए? आप कहते हो सर हम बहुत गरीब हैं, हमको जरूरी है, हमको अपने परिवार को संभालना है, हम जल्दी से जॉब नहीं प्राप्त करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, पिताजी का बोझ जो है हल्का करना हमें। तो सबसे पहली बात कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्यों चाहिए, आप में क्या क्वालिटी है कि आप ही को चाहिए। तो जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको लगेगा कि ना हमको नहीं होना चाहिए, बहुत कमियां हैं हमें, उतनी तैयारी तो नहीं हुई है जितनी हम कर सकते थे, बोलो ऐसा लगता है कि नहीं, ईमानदारी पूछना। और जिस दिन आपको लग जाएगा ना कि मुझ में क्षमता है, मुझ में दम है, मुझे होना चाहिए, और नौकरी नहीं होगा ना तो बहुत आगे चल जाओगे, उससे ऊपर चले जाओगे। टैलेंट चीज बड़ी है लेकिन टैलेंट से बड़ी चीज है जुनून, और जिसके अंदर जुनून है उसके अंदर टैलेंट हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, 5 मिनट में मैं बात खत्म करूंगा। मुझे आप देख रहे हो 33 लाख बच्चे आज हमसे पढ़ रहे हैं, 33 लाख नौजवान, मेरा उम्र 20 साल है, मैं भले हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, हो सकता है मैं गलतियां बोलता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं और मैं समझता हूं कि मैं मैथ सिखा सकता हूं, वो मुझे आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हमको मैथ पढ़ाते हैं तो हमारा इंग्लिश को अच्छा बोलने आना चाहिए, बात समझ रहे, मैं टीचर हूं, मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मुझे समझ में आता है कि भाई किसी तरह हम आपको सिखा दें। मैं इतना कमजोर था गणित में, इतना कमजोर था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गणित हमको आ जाएगा। 10th चोरी से पास किया, 12th चोरी से पास किया, तेज हम जरूर थे, चोरी कर देते। देखिए एक बात बता देते, जिंदगी में ना ज्ञान ज्यादा काम नहीं आएगा, इंटेलिजेंसी काम आता है इंसान का, ये बुद्धि जो होता है ना, ये बौद्धिक क्षमता आपके पास होना चाहिए दुनिया पर राज कर लो। तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा, वो कौन टैलेंट हुआ? बहुत सारे लोग चाय बेचते हैं, बुद्धि होती अपनी अपनी। गरीबी इतनी थी जो समझ नहीं आता था, मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाती थी, पिताजी बेरोजगार, 3 भाई में मैं सबसे छोटा भाई, बाकी ने गरीबी देखा, इतनी गरीबी थी कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, कोई 9th करके कोई 10th करके छोड़ दिया अपनी पढ़ाई। और हमारे बिहार से होता है पलायन बेरोजगारी के वजह से, वो दिल्ली पंजाब हरियाणा जहाँ काम करने आते हैं मजदूर, आप बिहार से देखते हो आते हैं ना, मैं उस जगह से। तो आपको क्या लगता है कि आज 33 लाख विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं और उस टाइम जब मैं 12th कर लिया तो पुडमास का नियम नहीं पता था मुझे कि पुडमास क्या होता है, मैंने सुना भी नहीं था, मैं रियल बता रहा हूं, मैंने सुना भी नहीं था। हालांकि ट्यूशन हम डेली पढ़ने जाते थे, स्कूल भी जाते थे, लेकिन वो चीज नहीं सुना था।
तो मैथ में जब हमको आता था ना कि 3 + 5 अगुना 4, तो हम पहले जोड़ लेते थे 3 + 5 = 8 अगुना 4 732, जबकि ये गलत है। बदमाश का नियम कहता है कि जोड़ और गुना है तो पहले गुना होगा। ये बात किसी ने मुझे बताया नहीं था। और जब भी किसी टीचर के पास जाते थे तो हम कहते थे कि सर हमको बड़ा जीरो से पढ़ाइएगा, हम बहुत कमजोर हैं। और बगल में आगे बैठल वाला विद्यार्थी सब हंस दे, एक बार देखिए कि गधा हो गया है, 12th में आ गया, कहता है कि जीरो से मैथ पढ़ाइएगा, सब हंस देगा। और 2-4-5 बार हंसेगा तो आपके प्रतिष्ठा पर पड़ेगा, जबकि झूठ मूठ का है वो कोनो प्रतिष्ठा नहीं। अच्छा आप हमारा गालियां दे दीजिएगा तो क्या होगा, आज हमको गाली दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम बस इतना सोचते हैं कि एक और इंसान हमको मिला जिससे मैं बेहतर हूं, मैंने उसे गाली नहीं दिया है। आज मैं ये सोचता हूं और उस टाइम ये सोचता था कि भाई सब कह रहे हैं, सब हंस दे रहा है, तो अगली बार से टीचर से नहीं पूछेंगे। शर्म आता था कि बार बार हम पूछे और क्लास भर हमको समझ जाए कि सबसे कमजोर है, तो बेकार लगता था। तो वो जो चीजें है ना, वो जो चीज को आप इज्जत समझते हो अपना, वो झूठ मूठ का चीज है और कुछ नहीं। वो एक बंधन है जिसे तुम तोड़ नहीं पा रहे हो और उसी से तुम जकड़े हुए हो और कैद हो। तुम्हें जो समझ में आता है, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, दिल और दिमाग में आया बोल दो। और जब मुझे ये लगा कि भाई मेहनत करे हैं तो कुछ सीखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाएक सब आ गया। जैसे आप एक टॉपिक पढ़े और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर फंस जाइएगा, तो आपको लगेगा ना कि इतना तो पढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब अलवा तो बनवे नहीं किया। तो वैसे नहीं हड़बड़ाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कभी कभी आप देखे हैं जब आप रोड पर चलते हैं नए सड़क पे, आपको नहीं पता है कि पटना कैसे जाना है, तो आपको 500 मीटर आगे तक दिखाई देगा सीधा रोड, उसके आगे नहीं दिखाई देगा कि किधर मुड़ना है वहां से। लेकिन जब वहां जाओगे तो फिर पता चलेगा कि एक रोड इधर भी, एक रोड इधर भी। उसी जगह डिसाइड करना होता है कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, फिर वहां से राइट पे चुनोगे, रास्ता चुनोगे जो सही है, फिर वहां से आगे जाओगे, फिर लंबा आपकी मंजिल नहीं दिखेगी, अभी पटना नहीं दिख रहा आपको। हो सकता है 100 मीटर जाओगे फिर टर्निंग है, लगातार रोड दिखता है क्या 500 किलोमीटर नहीं दिखता है ना। तो जिंदगी में इससे ही आगे बढ़ा जाता है, पहले बढ़ो, थोड़ा आगे जाओगे पता चलेगा कि अब क्या करना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ो फिर पता चलेगा कि अब क्या करना है। और एक ही बार तुम सोच लिया कि इंग्लिश तक कमजोरे है, साइंस में हम जीरोए हैं, मैथ हमारा बुझाबे नहीं करता है, तो आनी मनी रीजनिंग आता है, उससे क्या होने वाला है, ना पास करेंगे हम, हमको नहीं लगता कि पास करेंगे। हालांकि आपके माँ बाप जानते हैं कि ना हमारे बेटा बेटी पढ़े में बड़ा तेज है, क्योंकि आप तो कोचिंग आते हैं, कोचिंग से जाते हैं, कोचिंग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, पैसा देते हैं, यही बात ना है। तो आना जाना लगे तो माँ बाप को लगेगा ना कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनको थोड़े ना मैथ आता है जो जान जाएंगे कि आपको कितना आता है, बताइए उनको पता है, वो सिर्फ आपको देख कर अनुमान लगा रहे हैं, एक सुनी आंखों में उनके तैरते सपने हैं आपके लिए, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ना कुछ करेगा और इस समाज में हमारा नाम होगा। आपके पिताजी चौराहे पर बैठ के 10 लोगों में बात करते होंगे ना, कहते होंगे कि हम ना बेटा के डिफेंस अकेडमी में भेज दिए, तैयारी करेगा आर्मी की, और बड़ा गर्व से कहते होंगे कि हम पढ़ा रहे हैं। 10 लोग के बीच जब चाय पीते होंगे तो कहते होंगे हमने अपनी बेटी को भेजा है पढ़ने के लिए, सब नहीं भेजता है अपनी बेटी को, लेकिन हम भेजे हैं अपनी बेटी, उनको गर्व होता होगा ये बात कह के। लेकिन आप बताइए जिस दिन आप खाली हाथ वापस हो जाइएगा हार के, क्या होगा उनके सपनों का, वो लोग उन पर हंसेंगे कि नहीं जिन 10 लोगों के वो कह चुके हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे हैं, अपने बेटा को भेजे हैं, बताइए वो लोग हंसेगा कि नहीं, उनके मुंह पर कह देगा क्या हो तू तो कहते रहो कि बड़ा हमारे बेटा पढ़े में मतलब ब्रिलियंट, हमारी बेटी बहुत तैयारी कर रही है, बहुत हम उसको बढ़ावा दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं, बहुत नाम करेगी। आपकी बेटी तो आ गई वापस, उस समय बुरा लगेगा कि नहीं, कोई मुंह पे कह दिया तो लगेगा ना बुरा। और जानते हैं कोई इंसान अगर अंदर से टूट जाए अपने संतान के वजह से, उसकी उम्र घट जाती है। और अगर आपके पिताजी का मौत 10 साल पहले हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके माँ के मांग की सिंदूर अगर बिट जाए आपके वजह से, आपके हरकत के वजह से, तो उसका जिम्मेवार कौन है, उसका अपराधी कौन है? अगर 5 साल वो कम जीते हैं आपके वजह से, उसका अपराधी आप होंगे। तो क्या ये कलंक लेकर जीना चाहेंगे आप? नहीं ना। तो याद रखिएगा कि कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ानों की,
परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो परवाह मत कीजिए कि आपके जिंदगी में क्या होगा। रिजल्ट किसी को नहीं पता है, रिजल्ट किसी को नहीं पता है। मैं बता दूं, ना मुझे ना आपको, कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। लेकिन एक विश्वास है, वो विश्वास आपका मजबूत रहना चाहिए कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। और इसी विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है।